नशीली दवाओं के कारोबार करने वाले 7 लोगों को खंडवा की मोगल पुलिस और पदम नगर पुलिस ने पकड़ा है। इन 7 लोगों के पास से करीब 6 से 7 हज़ार नशीली गोलियां बरामद की गई है। ये लोग युवाओं में इन दवाओं का सप्लाई करते थे और उनमें नशावृत्ति बढ़ाने का काम कर रहे थे। इस कारोबार में कुछ मेडिकल व्यवसायी और कुछ MR भी शामिल है। पुलिस ने इनको भी पकड़ा है। कुछ समय से हम लोगों को जानकारियाँ मिल रही थी कि नशे की सामग्री, खासकर जो टैबलेट्स हैं और भी जो चीज़ें हैं, वो उसका प्रयोग बढ़ा है। उसकी वजह से क्राइम्स भी कुछ हो रहे थे और जिसके आधार पे हम लगातार इसमें सभी को निर्देशित किया था और एक हमने टीम भी सक्रिय कर रखी थी इसमें, और जिसके आधार पे हमको एक सफलता मिली थी जिसमें हमको 2 ग्रुप ऐसे मिले जो नशे की टैबलेट्स को खरीद फरोख्त कर रहे थे और उधर लड़कों को जो हैं युवक उनको सप्लाई कर रहे थे, और जिसके आधार पे हमने पदम नगर और मुकट में इसमें कायमी की है। 7 लोग इसमें टोटल गिरफ्तार हैं, जिनसे करीब हमको 6 से 7 हज़ार टैबलेट्स में अल्प्राजोलम की मिली हैं और जो गैर कानूनी तरीके से जिनके बिक्री और वो चल रही थी। कहाँ से लाए थे ये उनके खिलाफ? बिल्कुल, ये जो पूरी चेन है, अभी हमने खंडवा की जो चेन है इसको तो पूरा हमने इसको चेक किया है और इसके बाद जो हमें पता चला है कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों से ये सप्लाई हो रहा था और इसके साथ साथ MP में भी एक दो जिलों से हमको जानकारी मिली है, तो उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। खंडवा के मेडिकल स्टोर वाले भी कुछ जुड़े हुए थे इसमें से? हाँ बिल्कुल, इसमें जो 2 मेडिकल स्टोर्स भी हैं जो चलाते हैं मेडिकल स्टोर्स, उनकी भी हम पूरी जांच करेंगे कैसे चलाते थे, क्या था और किस प्रकार से रिकॉर्ड वगैरह वो मेंटेन करते थे, और आवश्यकता इसमें रहेगी तो हम ड्रग इंस्पेक्टर उनसे भी बात करें। इस मामले में पुलिस ने सुनील दुल्हानी, अनिल बोरसे, मोहसिन फारूक, बबलू पटेल, शाहिद पिता वजीर खान, अरबाज, आशीष पिता रामलाल यादव आदि को गिरफ्तार किया है।